हेलो नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आरओआरओ 2023 के लिए सामान्य अध्ययन का ये प्रैक्टिस सेट नंबर एक होगा, फुल मॉक टेस्ट होगा और ये आईएएस की तरफ से जो आरओआरओ के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसी का ये भाग एक है। तो इसी को आज हम पूरा कवर करेंगे और 140 प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं परीक्षा में, उन 140 प्रश्नों के यहाँ पर विद डिटेल के माध्यम से सॉल्व करेंगे और आप लोग भी साथ ही साथ सॉल्व करते जाना और चेक करना और बताना वीडियो के बाद में कि आपने कुल कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट किया, क्या आपकी आरओआरओ की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है या फिर आप कर रहे हैं। ये सारी चीज आप कंप्लीट करके वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आइए मित्रों, आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। कथन दो है कि इस एक्ट के माध्यम से मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और पहले प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कथन नंबर एक सत्य है, यानी पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। अब 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसके द्वारा पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था ब्रिटिश सरकार का। यहाँ पर कह रहा है कि इसी एक्ट के माध्यम से, यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे ये एक्ट नहीं था, ये वाला एक्ट था 1773 का। 1773 के एक्ट के माध्यम से मद्रास मुंबई के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। तो प्रश्न ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। यानी यहाँ पर पूछा गया है कि कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय था। तो दोस्त याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, 1856 की घटना है और 1857 में जब एक क्रांति हुई थी आपकी, 1857 की क्रांति, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे और बाद में घोषणा हुई और लॉर्ड कैनिंग को ही प्रथम वायसराय भारत का नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय होंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित युग्म में कौन से सही सुमेलित हैं ये आपको बताना है। चलिए तीसरा प्रश्न है। पहला है लियाकत अली, क्या ये वित्त मंत्रालय इनके पास था? तो आप कहेंगे जो लियाकत अली थे उनके पास वित्त मंत्रालय नहीं था, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा जोगेंद्र नाथ मंडल रेल मंत्रालय, आपको सही सुमेलित वाले बताना है, तो आप कहेंगे ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जोगेंद्र नाथ मंडल इनके पास रेल मंत्रालय था। जगजीवन राम, क्या इनके पास श्रम मंत्रालय था? तो सॉरी, यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, निम्न में से कौन से सही सुमेलित है, ये सही सुमेलित वाला पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया एक तरफ मंत्रालय, दूसरी तरफ मंत्रालय, एक तरफ व्यक्ति का देगा मंत्री, तो बताइए फटाफट इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है जी, बताइए। देखिये जोगेंद्र नाथ मंडल की बात करें तो इनके पास रेल मंत्रालय नहीं था, इनके पास था विद मंत्रालय। क्या था? विद मंत्रालय। प्रश्न थोड़ा गलत हो गया है। आगे बात करेंगे अरुणा आसफ अली, तो अरुणा आसफ अली के पास क्या था? तो दोस्त याद रखें अरुणा आसफ अली के पास था रेल मंत्रालय। तो इस प्रकार इसमें ये होना चाहिए था प्रश्न में कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो वो आपका ये वाला गलत था, उसके बाद ये तीनों ही सही सुमेलित थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से 8वीं अनुसूची से संबंधित है, बताइए 8वीं अनुसूची से संबंधित है। पहला है कि 21वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्त याद रखेंगे तीनों ही सही है। अब इसने तीनों ही संशोधनों में क्या हुआ, पहले तो आप समझे आठवीं अनुसूची में है क्या, तो याद रखेंगे आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं, यानी भारतीय संविधान में जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया वो आठवीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान संविधान में 22 भाषा है,
तो यहाँ से यहाँ तक कितनी भाषाएं जोड़ी गई? आठ भाषाओं को जोड़ा गया। अब ये जो आठ भाषाएं जोड़ी गई वो कब कब जोड़ी गई? तो पहले जो 15वीं भाषा बनी उसका नाम था सिंधी, और वो 21वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ी गई। उसके बाद तीन भाषाएं 71 के द्वारा, फिर चार भाषाएं 92 के द्वारा जोड़ी गई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख, पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से गृहित किया गया है? तो बताएंगे दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या चीजें ग्रहण की हैं? याद रखेंगे राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन है, ऑप्शन नंबर ए, ये हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख, हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियों में से कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्थित थी? तो सतलज नदी के किनारे इनमें से कौन सा स्थल है? तो आप याद रखेंगे उसका नाम है रोपड़, ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा किसके किनारे हैं? याद रखेंगे हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे हैं। ठीक है, कालीबंगा किस नदी के किनारे हैं? तो कालीबंगा आप याद रखेंगे घग्गर नदी के किनारे हैं। लोथल किस नदी के किनारे हैं? तो लोथल आप याद रखेंगे भोगवा नदी के किनारे हैं। किस नदी के? भोगवा नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सतलज नदी के किनारे है रोपड़। अगला प्रश्न है सातवां, कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्न में से किस नदी के तट पर नहीं था? यहाँ देखिए शब्द दिया गया नहीं था, ठीक है, याद रखें गंगा नदी के तट पर नहीं था। चिनाब नदी, झेलम नदी और सिंधु नदी, यानी सिंधु नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी के किनारे ये सिंधु घाटी सभ्यता पाएगी मुख्यतः। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता? यानी यहाँ पर आर्टिकल 324 दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि कौन सा चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं कराया जाता। तो दोस्तों याद रखेंगे भारत का एक चुनाव है जिसका नाम है पंचायत एवं नगर निगम या नगर पंचायत के चुनाव, जिनको हम स्थानीय निकाय के चुनाव भी कह सकते हैं। ये भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं कराए जाते, इनको राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, एक तरफ अनुच्छेद और दूसरी तरफ विवरण दिया गया है, बताइए यहाँ पर सुमेलित करके आपको बताना है। जैसे बात करें 371 झांकी सबसे पहले, तो इसका संबंध गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध बनाना, तो पहले का तो पहले से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहले का तो आपका पहले से सही हो जाएगा। दूसरा 371 ज, ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, तो ये भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तीसरा आपका झ, ये मिजोरम से संबंधित है, ये भी सही है और ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, दसवां प्रश्न आप सभी के बीच है, देखिए दसवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन दिए गए, पहला कथन है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, दूसरा कथन है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तीसरा कथन है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। अब आप बताएंगे इनमें से कौन कौन से कथन सही है। तो दोस्त याद रखेंगे इनमें पहला भी कथन सही है, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, तीनों ही कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला एक अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है, दूसरा एक अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। तो अब आप बताएंगे कौन कौन से आर्टिकल सही है। यहाँ पर याद रखेंगे जो पहला दिया गया ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा दूसरा? क्योंकि संविधान एक अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग या संविधान के अतिक्रमण के, यहाँ पर सिद्ध कदाचार नहीं, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चलाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? केवल पहला सही है, यहाँ पर होना चाहिए था संविधान का अतिक्रमण, तो सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे 12वें प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है, यानी सत्य नहीं है ये आपको पहचानना है। पहला कथन हम देखेंगे यह मूल संविधान का हिस्सा है, क्या आपको पता है कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में थे या नहीं? तो आप कहेंगे मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको असत्य कथन बताना था, तो पहला आपका असत्य कथन है, बाकी सभी सही कथन हो जाएंगे। ठीक है, देखिये ये संविधान के भाग 4 का में वर्णित है, सही है,
ये सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रेरित हैं, ये भी सही है। एक 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, ये भी सही है। तो मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। और उस समिति का नाम जब आपसे पूछा जाए तो उस समिति का नाम है स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। प्रधानमंत्री या पीएम पूछा जाता है कब जोड़े गए, याद रखेंगे इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, किसकी, याद रखेंगे इंदिरा गांधी की सरकार थी। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है, तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्त याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षण ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, प्रेफर्ड ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है, बताइए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो तिहाई बहुमत के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 312 के द्वारा राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है, उस आर्टिकल का नाम है 312 और दो तिहाई लिए जाते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, यानी हम बात करेंगे यहाँ पर भाग चार की, और भाग चार में डीपीएसपी दिया गया है, डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और उनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इनका पालन नहीं करता। पहला दिया गया कि कुछ दशाओं में काम शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार, दूसरा है 6 से 14 वर्ष के बालकों को हेतु शिक्षा का उपलब्ध, यानी अब आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे, अभी जब हमने देखा था कि जो 6 से 14 वर्ष के बालक थे वो मूल कर्तव्य में आ रहे थे, मूल कर्तव्य में आ रहे थे, तो 11वां जो मूल कर्तव्य था जिसको हमने 2002 में जोड़ा था वो यही तो था, तो ये आपका पालन नहीं करेगा, ये इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों ये कथन डीपीएसपी से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला कथन अभिकथन, दूसरा कारक, बताएंगे इसमें से कौन कौन से सही हैं। पहला है कि मानवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है, इसका परिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है, तो बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा उपयुक्त, तो डी वाला हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी कैसे सही होगा, पहला गलत है और दूसरा सही है, यही इसमें बोला गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, तो दोस्त याद रखेंगे 29 विषयों पर, कितने, 29 विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अब 11वीं जो अनुसूची थी इसको कब भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी जबकि वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, तो 4 नई अनुसूचियों को जोड़ा गया, उसी में पहली जो अनुसूची थी उसका नाम था 9वीं अनुसूची, और इसको जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में, और उसमें प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो 11वीं जो अनुसूची जोड़ी गई थी वो 73वां अमेंडमेंट हुआ था, और ये अमेंडमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था 1992 या 1993 के आसपास, ठीक है, 1992-93 के आसपास हुआ था, और ये इस समय जोड़ी गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यह बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है, तो ये दोस्तों 153 आर्टिकल में इसका वर्णन है कि अनुच्छेद 153 के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक था, यानी कि पद का नाम है बरीद ए मुमालिक, ये कौन हुआ करता था, तो दोस्त याद रखेंगे बरीद ए मुबालक का कार्य होता था गुप्तचर विभाग का अधिकारी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक तरफ पुस्तक दूसरी तरफ लेखक दिए गए हैं और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो बताएंगे इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, एक पुस्तक है जिसका नाम है शाहनामा, तो शाहनामा पुस्तक किसकी है, बताएंगे कमेंट करके। उसके बाद दी गई है श्री कृष्ण विजयन, ठीक है, उसके बाद आपकी दी गई तहकीक ए हिंद, और आपने से पूछा कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें जो रहला पुस्तक है ये आप बताएंगे रहला किसकी है,
याद रखेंगे रहला पुस्तक इब्न बतूता की है। किसकी? इब्न बतूता। और यही आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में से किस एक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? यानी जितने भी बिल्डिंग बनवाएगी उनमें से शाहजहां द्वारा इनमें से किसका निर्माण नहीं करवाया गया? याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर आगरा फोर्ट की अगर बात करें, यहाँ पर आगरा फोर्ट ऑप्शन नंबर सी वाला, तो इसका जो निर्माण था वो अकबर ने करवाया था। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया था। और इसका निर्माण हुआ कब था? याद रखेंगे इसका निर्माण 1574 में हुआ था। ठीक है, 1574 में हुआ। बाकी आपकी लाल ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद, इन तीनों का ही निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यहाँ पर चार पॉइंट दिए गए हैं, सोशल फर्विसलिंग, स्वराज पार्टी, द फर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या नौजवान सभा। उपयुक्त संस्थाओं को स्थापना का सही कालक्रम क्या है? यानी इनके कालक्रम के अनुसार आपको इनको व्यवस्थित करना है। ठीक है, और ये प्रश्न आपका 22वां है। चलिए एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सोशल सर्विस लिंक की। सोशल सर्विस लिंक की जो स्थापना होती है वो 1911 में होती है, यानी 1911 में होती है। स्वराज पार्टी की बात की जाए तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। नौजवान सभा की बात की जाए तो नौजवान सभा की जो स्थापना होती है वो 1926 यानी 1926 में होती है। और आपकी द फर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1905 में होती है। तो इस प्रकार चारों पार्टियों को हमने डेट देखी। अब नंबर एक पर कौन आएगी? देखिए सबसे डेट किसकी कम है? तीन की, तो तीन आप देखेंगे। इससे हमें यह पता चल गया कि ये वाला तो आंसर नहीं होगा। ठीक, उसके बाद तीन के बाद अब आपकी आनी चाहिए एक, यानी तीन एक। देखिए तीन एक इसमें नहीं है, तीन एक इसमें नहीं है, तीन एक ये है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था? याद रखें तहकीकात कमेटी का जो गठन किया गया था वो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख देखिए किस प्रकार का। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कथन और कारक में दिया गया है कि चार्ल्स मेटकॉप को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। दूसरा, मेटकॉप ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। तो आप बताएंगे इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आपके सामने आ चुके हैं कथन और कारक दोनों सही है कि कथन सही है कि कारक सही है, इस प्रकार आप बताएंगे। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 25वां है, समाचार पत्र दूसरी तरफ संपादक दिए गए, किसने किस पत्र का संपादक या संपादिका की थी वो आपको बताना है। ठीक, बताइए इनमें से कौन सा किससे अटैच होगा वो आपको सुमेलित करना है। पहला है देखिए समाचार वार्ता ग्लिपरेशन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके संपादक कौन थे? तो याद रखेंगे इसके संपादक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है हिट्स ऑफ सेल्फ कल्चर, इसके जो संपादक थे वो थे लाला हरदयाल। तीसरा है द नेशन इन मेजिंग, इसके जो संपादक थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और हमदर्द की अगर बात की जाए तो इसके संपादक थे मोहम्मद अली। तो इस प्रकार एक दो चार तीन इसका सही जवाब होगा। एक दो चार तीन, एक दो चार तीन, एक दो चार तीन, ऑप्शन नंबर बी एक दो चार तीन ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप किसने दिया था या किसके द्वारा दिया गया था? बताइए पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप में जाना जाता है किसके लिए? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ेंगे, इसी प्रकार कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे। देखिए आरओ प्री परीक्षा 2023 के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। जो भी साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार कंटिन्यू वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे इस चैनल पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सम्मुख है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवाओं के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया, पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। तो इस प्रकार आप बताएंगे इनमें से कौन कौन से कथन सही है। दोस्तों दोनों ही कथन आपके सही है, पहला भी और दूसरा भी। अगला प्रश्न आपके सामने कि विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों तथा तत्कालिक शासकों के युगों में कौन सही सुमेलित है? यहाँ पर आप बताएंगे इनमें से कौन कौन से सही सुमेलित हैं। ठीक,
निकोलो कोंटी की बात की जाए तो निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के समय में आया था, यह तो आपका पहला सही सुमेलित हो गया। दूसरा नूनेज की बात की जाए तो नूनेज आपका अच्युत राय के समय में आया था, ये भी बिल्कुल सही है। डोमेंगो पायस की बात की जाए तो आपके कृष्ण देवराय के समय में आया, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, बताइए इनमें से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। दोस्त याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी का प्रश्न आपके सामने आ चुका है और ऐसे ही प्रश्न अब आपको देखने को मिलेंगे, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो शान का पठार जो आपने नाम सुना होगा, ठीक है, शान का पठार वो आपका कहाँ पर है, म्यांमार में। पोटावार की पठार की अगर बात की जाए तो पोटावार का पठार आपका पाकिस्तान में और लोएस पठार आपका चीन में, तो ये तीनों ही सही सुमेलित, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सम्मुख है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था, याद रखेंगे इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शंकर नायर ने, ठीक है, शंकर नायर ने, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला, अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश को तिल तांड का देश कहा जाता है, यानी पॉल्म ऑयल का देश कहा जाता है, याद रखेंगे मित्रों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइजीरिया को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है कि देखिए यहाँ पर दिया गया कि अफ्रीका महाद्वीप की निम्नलिखित दो नदियों के संबंध में से कथन सत्य है। पहला, लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है, कांगो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है, अब आप बताएंगे कौन कौन से कथन सही है। तो दोस्त याद रखेंगे यहाँ पर दोनों ही कथन कैसे हैं, सत्य कथन है, ठीक है, दोनों ही कथन कैसे हैं, सत्य कथन है, दोनों ही गलत कथन है। तो अब याद रखेंगे यहाँ पर देखिए पहला जो दिया गया कि अफ्रीका महाद्वीप की लिम्पोपो नदी, कौन सी नदी, लिम्पोपो नदी, और ये जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को दो बार काटती है, किसको काटती है, मकर रेखा को दो बार काटती है, यहाँ पर दिया गया विषुवत रेखा, ये पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा, कांगो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है, याद रखेंगे कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है, किसको, विषुवत रेखा को दो बार काटती है, यानी कहने का अर्थ हुआ कि ये दोनों ही क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, पहला भी और दूसरा भी, ऑप्शन नंबर डी, ना तो पहला ना तो दूसरा दोनों ही कथन सत्य नहीं है, ठीक है, सत्य है, ना तो पहला ना ही दूसरा सत्य है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान प्रसिद्ध है, तो अर्जेंटीना में एक मैदान पाया जाता है जिसका नाम है चाको का मैदान, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे ये मैदान आपके कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी आल्पस पर्वत श्रेणी स्थित है, तो दोस्त याद रखेंगे न्यूजीलैंड में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन और कारक दिए गए हैं, सही कथन कारक का आपका चयन करना है। कथन है कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषुवत रेखाएं अधिक प्राप्त होती हैं, कारक है कि उत्तरी गोलार्ध में जल भराव की अधिकता है, तो इस प्रकार आप बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्त याद रखेंगे इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, कथन और कारक दोनों सही है, कथन कारक की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सम्मुख देखिए किस प्रकार का है, अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए क्षोभ मंडल के संबंध में एक कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शन पढ़ेंगे और पाएंगे यहाँ पर जो दिया गया पहला कथन वो भी आपका क्या है, सही है। पहला कथन कैसा है, आप कहेंगे जी पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा कथन बिल्कुल सही है, तीसरा कथन बिल्कुल सही है, ये सभी कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यहाँ पर भी दो कथन दिए गए, बताएंगे कौन कौन से सही हैं, ठीक है। देखे पहला दिया गया विषुवत रेखा पर कोलेरियोसिव का प्रभाव अधिकतम होता है, गलत है ये। दूसरा, ध्रुवों पर, और ये भी देखिए दोनों गलत है, दोनों ही कथन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, नीचे कथन और कारक दिए गए, बताएंगे इनमें से, देखिए क्या गया, चिनूक को हिमबच्छी पवन भी कहा जाता है, कारक है यह पवन शीतकाल के अधिकतम समय में बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को पशुओं हेतु उपयोग कराती है, तो बताएंगे इनमें से कौन सा कथन सही है, 38वां है इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला प्रश्न है कि हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है, याद रखेंगे एक तरफ सिंधु नदी जा रही है, दूसरी तरफ सतलज नदी आ रही है, इनमें से आपसे पूछा है कि कौन सा सही है, ये वाला जो मैदान है, तो इस हिमालय को किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों इसको कहते हैं
आप याद रखेंगे पंजाब हिमालय ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सिंध और फतलर नदियों के बीच में पंजाब पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी पंजाब हिमालय। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी स्थित है। याद रखें दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, और दूसरी चोटी पूछी जाती है, इसका नाम है दोदावेट्टा। ठीक है, क्या नाम है? दोदावेट्टा। अब ये दोदावेट्टा चोटी किस पर है, याद रखेंगे ये दोदावेट्टा चोटी ये अन्नामलाई पर है, और वो अन्नामुड़ी जो चोटी का नाम है अन्नामलाई पहाड़ी पर है, दोदावेट्टा नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। तो इसी प्रकार सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, तो आज की इस वीडियो हमने 40 क्वेश्चनों को कवर किया। मैं कोशिश पूरी 140 प्रश्नों की वीडियो बनाया करूंगा आगे से। ठीक है, आज की इस वीडियो को इतना रखते हैं। 100 जो प्रश्न बचे हुए हमारे इस वीडियो में, उन सबका एक भाग और आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप थोड़ी तबीयत की वजह से पूरी वीडियो बनाने में असमर्थ हूँ। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जो बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।